हम सभी किसी न किसी माध्यम से अपने बृहस्पति को अच्छा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी भी बातें हमारे द्वारा हो जाती हैं जो बृहस्पति को अच्छा नहीं बल्कि बिल्कुल ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आपकी ये हरकतें आपके बृहस्पति को ख़राब कर सकती हैं। विशेष रूप से ये तीन हरकतें तो आपको कभी नहीं करनी चाहिए जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो बातें मैं बता रही हूँ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, उसको प्रैक्टिकल होके आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसी हरकत आप कभी ना करें, इससे आपको बृहस्पति की सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। बृहस्पति कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता और जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा नहीं होता है उनको कभी मान सम्मान भी नहीं मिलता है, उनका हर जगह अपमान होता रहता है जिनका बृहस्पति पीड़ित होता है। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री, मैं एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आप मुझसे परामर्श लेकर अपने भविष्य को कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बृहस्पति की पावर आपको देने में समर्थ है अगर आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। पहली चीज़ है, किसी भी गुरु से आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या एजुकेशन लेते हैं और बिना फीस के ही ये गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहा गया है कि बिना दक्षिणा के ज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो गुरु से ज्ञान आप लेते हैं और वो भी बिना दक्षिणा दिए, तो पाप के भागीदार आप हो सकते हैं, क्योंकि गुरु तो साक्षात खुद ही बृहस्पति का प्रतीक होता है और गुरु के द्वारा आप ये पाप करते हैं तो आपको बहुत पनिशमेंट देते हैं बृहस्पति देव, इससे आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है, किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं या किसी भी तरह से उसकी हेल्प आप लेते हैं, सलाह लेते हैं और बिना फीस दिए आप ये काम करते हैं। हमने ऐसा देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि दक्षिणा के नाम तो दूर, वो शोषण करते हैं ज्योतिषी का, उनको इतनी भी शर्म नहीं होती कि ज्योतिषी से परामर्श ले रहे हैं तो मौका भी नहीं देखते। कोई किसी की शादी है, किसी की क्लास लग रही है तो बाज नहीं आते ऐसे लोग, और हम खुद भुक्तभोगी हैं ऐसे लोगों के द्वारा, हमारा खुद का शोषण हुआ है ऐसे लोगों के द्वारा और हमारा ज्योतिष ज्ञान का बहुत फ़ायदा मुफ्त में बहुत लोगों ने उठाया, क्योंकि हम प्रारंभिक दौर पे थे तब, बहुत साल पहले की बात है। इसीलिए हम को पीड़ा होती है कि ज्योतिषीय लोगों को क्या समझते हैं लोग। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी ज्योतिषी से ज्योतिष संबंधी सलाह मुफ्त में ना लें। आपकी जितनी औकात है उतना ही पे कर दीजिए, लेकिन निःशुल्क सलाह लेना आपके जी का जंजाल बन सकता है और आपका बृहस्पति आपको पीड़ा दे सकता है। अच्छा खासा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है, अगर आप ये गलती करते हैं, ज्योतिषी से परामर्श तो ले लेते हैं और उसको फीस अदा नहीं करते हैं, तो आप इतने बड़े पाप के भागीदार हैं जिसकी कोई गति भी नहीं होती है। तो ये पाप आप नहीं करें और तुरंत आपको परामर्श लेते समय दक्षिणा या फीस के बारे में अवश्य पूछना चाहिए, और पूछना ही नहीं चाहिए बल्कि उसको फीस देकर उसका मान सम्मान और अपना खुद का भी इज्जत आपको बनानी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है जो बहुत महत्व की है, अक्सर ऐसा होता है कि आपके जान पहचान में कोई डॉक्टर होते हैं, मेडिकल डॉक्टर, और आप उनसे जाकर सलाह मशवरा घर का सदस्य समझकर उनसे सलाह लेकर आ जाते हैं। आपने कभी उनकी से उनकी फ़ीस नहीं पूछी होती है, प्रोफेशनल होते ही नहीं हैं आप उनके साथ में। प्रोफेशनल होना सीखिए, प्रोफेशनलिज्म बहुत काम की होती है और बृहस्पति आपको सिखाता है कि किसी भी गुरु की कद्र करिए। किसी भी इंसान जो आपकी सेवा कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, उसको गुरु तुल्य ही आप समझिए और उससे उसकी फ़ीस अवश्य उसको पेमेंट करके अदा करिए। ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जिनकी फ़ीस खाने से आपको नुकसान हो सकता है, आपको पीड़ा हो सकती है, बृहस्पति कुपित होकर आपको दंडित कर सकते हैं, ऐसी पावर होती है इन लोगों में। तो किसी भी ज्योतिषी का अपमान ना करें, किसी भी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान ना करें या किसी भी मेडिकल डॉक्टर का अपमान ना करें। ये तीनों ही समाज के महत्वपूर्ण तत्व हैं और उनका अपमान करने होता है अगर आप उनसे उनकी फ़ीस ना पूछें। उनकी फ़ीस हमेशा अदा करिए और अपने बृहस्पति को उन्नत बनाइए, चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होने लगेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, अन्य के साथ भी शेयर करना।
आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं, वास्तु संबंधी सलाह भी ले सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है और चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं। 25 साल का मुझे तजुर्बा है, उसके सामने 1100 रुपये कोई मायने नहीं रखते और 5100 रुपये भी कोई मायने नहीं रखते। अगर आपकी मर्जी है, आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। थैंक यू।